नमस्कार। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले तमाम प्रतियोगियों के लिए एक अच्छी खबर आई है कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 का कैलेंडर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी कर दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी ग्रेजुएट्स जिनकी एज 1 अगस्त 2023 से मिनिमम 21 एंड मैक्सिमम 32, OBC कैटेगरी 35 एंड SC/ST कैटेगरी 37 है, वो सभी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने का प्रोसेस 1 फरवरी 2023 से शुरू होकर 21 फरवरी 2023 तक रहेगा। सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की डेट 28 मई 2023 एंड मेंस एग्जामिनेशन 15 सितंबर 2023 को निर्धारित किया गया है। आइए जानते हैं UPSC के द्वारा जारी किए गए कैलेंडर पर प्रयास IAS स्टडी सर्कल के डायरेक्टर डॉक्टर सुशील कुमार सिंह जी की क्या राय है। UPSC पहले भी कैलेंडर इसी तरह से जारी करता रहा है और बहुत समय देता है प्रतियोगियों को कि सिविल सर्विसेज के प्रतियोगी हों या UPSC से जुड़े तमाम प्रतियोगी, चाहे IFS की तैयारी करने वाले, NDA, CDS या और भी जितने भी इंजीनियरिंग सर्विस वगैरह के तमाम जो कॉम्पिटिशन्स हैं, जो दर्जनों कॉम्पिटिशन होते हैं, उसके कैलेंडर एक साथ UPSC जारी कर देता है। जाहिर है उसी में सिविल सर्विसेज का भी है, तो सिविल सर्विसेज 2023 का एग्ज़ाम 28 मई 2023 का होना, यानी कि जो प्रतियोगी नेक्स्ट ईयर सिविल सर्विसेज में शामिल होने जा रहे हैं उनके लिए पूरी तरह से स्ट्रेटजी बनाने का एक पूरा मौका देता है। तो मैं उनके लिए सिर्फ इतना कहूँगा कि आपके पास पूरे एक बरस का टाइम है और इस एक बरस के टाइम में आपको ध्यान ये देना है कि न केवल आप प्रारंभिक परीक्षा में लगे रहिए, बल्कि इस एक बरस में प्रारंभिक के साथ पूरे मुख्य परीक्षा ऑप्शनल सहित की प्रिपरेशन कर लीजिए, ताकि आप 28 मई 2023 को प्रारंभिक परीक्षा में जाएं और 15 सितंबर को जो 5 दिन मुख्य परीक्षा होती है उसको भी साथ न्याय हो सके। तो प्रतियोगियों के लिए अच्छी बात है, खुशखबरी है, तैयारी करें, फॉर्म भरें, फिर परीक्षा दें, यही करना पड़ता है, यही वो भी करें। थैंक यू। आज का करियर न्यूज़ यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।